दोस्तों राम राम। कैसे हो आपका यूट्यूब चैनल देसी जिम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाते हैं रसगुल्ले। होली आने वाली है तो होली पर भी मिठाइयाँ तो बनती है, तो इस होली हम बना रहे हैं रसगुल्ले। इस रेसिपी को आप लोग भी एक बार जरूर से ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आइए भाई बनाना शुरू करते हैं रसगुल्ले। बनाने के लिए सबसे पहले बना लेते हैं छेना। छेना बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिए, गाय का दूध है। आप जब भी रसगुल्ले बनाओ तो गाय का दूध इस्तेमाल कीजिए भाई। दूध फाड़ने के लिए हमने लेंगे थोड़ा सा नींबू सत और इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। अगर आपके पास नींबू सत नहीं है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो हम नींबू सत में 2 चम्मच के करीब पानी मिलाएंगे भाई और अच्छी तरह से घोल तैयार करेंगे। दूध में हमारी बॉयल आ चुका है तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया भाई। दूध को हम ठंडा करेंगे, गर्म दूध को हम नहीं फाड़ेंगे भाई। अगर आपको जल्दी है तो आप आइस डालकर भी दूध को ठंडा कर सकते हो। तो ये देखिए भाई दूध हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं भाई नींबू सत। नींबू सत हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे भाई, एक साथ नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा नींबू सत डालते हुए दूध को फाड़ेंगे भाई। दूध हमारा फटना शुरू हो गया अभी, तो इस तरह से चलाते हुए हम दूध को फाड़ेंगे। अब लगातार चलाते रहेंगे भाई दूध को, तो हम अच्छी तरह से दूध को फाड़ना है भाई। हमें बहुत अच्छा सन्ना तैयार करना है तो हम चलाते हुए दूध को फाड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम नींबू सत ऐड करते रहेंगे तो दूध हमारा अच्छी तरह से फट जाएगा। तो देखिए भाई दूध हमारा अच्छी तरह से फट चुका है। परफेक्ट रसगुल्ले बनाने के लिए हमें परफेक्ट छेना बनाना होगा। परफेक्ट छेना बनाने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा भाई। सबसे पहले हमें गाय का दूध लेना है भाई। गाय के दूध में फैट कम होती है, कम फैट से रसगुल्ले अच्छे बनते हैं भाई। दूसरी बात, हमें छेना बनाते समय दूध को ठंडा करना है भाई। अगर दूध को ठंडा करके हम फाड़ेंगे तो परफेक्ट छेना बनेगा। तो दूध हमारा अच्छी तरह से फट चुका है, तब इसको हम ठंडा करेंगे भाई। ठंडा पानी मिलाकर हम दूध को ठंडा करेंगे। फटा हुआ दूध भी हमने ठंडा कर लिया है भाई। तो अब दूध को हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमने एक छलनी लिया भाई और एक कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास दुपट्टा है तो दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध को छानेंगे भाई। एक साथ पूरा दूध हम नहीं डालेंगे भाई, छलनी छोटी है तो पूरा दूध नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करते हम इसमें दूध डालेंगे भाई और चम्मच से हिलाते हुए हम अच्छी तरह से छानेंगे। कपड़ा काफ़ी मोटा है तो भाई छानने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास पतला कपड़ा है तो आप पतले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हम हिलाते हुए दूध को छानेंगे भाई। छानने से पानी को हमें अच्छी तरह से अलग करना है भाई, पूरी तरह से हमें पानी को निचोड़ना है। तो इस होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना भाई। रेसिपी कैसी बनी है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ये देखिए भाई पानी और छेना को हमने अलग कर लिया है। तो अब छेना को हमें अच्छी तरह से धोना है भाई। हमने नींबू सब डाला था इसका खट्टापन इसमें नहीं रहना चाहिए, तो हमें अच्छी तरह से धोएंगे और अब अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। पूरा पानी हमें निकालना है भाई। इस तरह से पोटली बनाकर हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए भाई पानी हमें पूरे का पूरा निकालना है। तो पूरा पानी निकल चुका है, तब हम कुछ टाइम के लिए इसको टांग देते हैं। कम से कम 2 घंटे के लिए हम रखेंगे भाई। 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए भाई इस तरह से हम पोटली को टांग देंगे। छेना को रेस्ट करते हुए 2 घंटे हो गए भाई। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है और कटोरी से नापे तो हमने 1.5 कटोरी चीनी ली है और 3 कटोरी हम पानी लेंगे। आप जिस बर्तन से माप करें उसी का डबल पानी आपको लेना है। चीनी वाली कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे भाई और हमें चाशनी में एक उबाल लेके आना है भाई। हमें तार नहीं लेके आना, चाशनी में एक बॉयल लेके आना है भाई। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, चाशनी में एक ही बॉयल लेके आना है। फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे भाई। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हमने हाई पर रखा है। तो ये देखिए भाई चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए भाई चाशनी हमारी पकने लगी है। तो इस तरह से हमें चाशनी बनानी है भाई। ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। तो चाशनी हमारी तैयार हो रही है, तब तक हम बना लेते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम छन्ने को अच्छी तरह से मस लेंगे भाई। ये देखिए काफ़ी चिकना है तो हमें तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तेलियों से हमें अच्छी तरह से मसलना है भाई। हम 2-3 मिनट के लिए छन्ने को अच्छी तरह से मस लेंगे। अगर आप छेना नहीं मसलना है तो भाई आप मिक्सी में 1 राउंड लगवा सकते हो। सिर्फ 1 ही राउंड लगाना है भाई, ज़्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है। तो इस तरह से हम हथेलियों से मसलते हुए अच्छी तरह से छेने को तैयार करेंगे। इसका दाना हमें ख़त्म करना है भाई। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो ये देखिए भाई छेना बिल्कुल चिकना हो चुका है, हथेलियों पर भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से हमें छेना चाहिए भाई। तो छेना हमारा तैयार हो चुका है, तब बना लेते हैं भाई रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने बहुत आसान है भाई। थोड़ा सा छेना आप हथेली पर लीजिए और उंगलियों से राउंड राउंड घुमाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हो, लेकिन आप छोटा ही रखिए भाई। चाशनी में जाने के बाद रसगुल्ला काफ़ी फूल जाता है, तो आप छोटा ही रखिए। तो इस तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। बनाना बहुत आसान है भाई, एक बार आप बनाकर देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम घुमाते हुए सारे रसगुल्ले बना लेते हैं। अगर आपको छेना पतला लग रहा है तो भाई थोड़ा सा मैदा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया भाई,
हम बिना मैदा ही बना रहे हैं। तो ये देखिए भाई, बाकी के रसगुल्ले भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए भाई कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे रसगुल्ले हम बना लेते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं। तब चलते हैं भाई चाशनी की तरफ। चाशनी हमने कढ़ाई में डाल ली है, पतीला काफ़ी छोटा था तो हमने कढ़ाई में डाल लिया है। तो चाशनी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है भाई, ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। तब इसमें डालते हैं भाई रसगुल्ले, एक एक करते हुए रसगुल्लों को चाशनी में डाल देते हैं भाई। एक साथ चाशनी में हम रसगुल्लों को नहीं डालेंगे, अगर एक साथ हम डालते हैं तो सारे रसगुल्ले चिपक जाएंगे भाई। तो इस तरह से हम एक एक करते हुए डालेंगे। चाशनी काफ़ी गर्म है तो भाई थोड़ा ध्यान से डालिए। तो इस तरह से सारे रसगुल्ले हम डाल देते हैं भाई। रसगुल्लों को चाशनी में डालने के बाद एक दो मिनट के लिए हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे भाई। एक दो मिनट से पहले अगर हम हिलाते हैं तो रसगुल्ले टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम सारे रसगुल्ले डालकर ढक्कन लगा देंगे भाई। ढक्कन लगाकर हम रसगुल्लों को पकाएंगे भाई, और गैस की फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। रसगुल्लों को पकाते टाइम ढक्कन लगाना ज़रूरी है भाई, बिना ढक्कन बिल्कुल मत पकाना। तो ढक्कन लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ढक्कन लगाकर हम 10 से 15 मिनट रसगुल्लों को पकाएंगे। रसगुल्लों को पकने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भाई, तो बीच बीच में आप रसगुल्लों को चलाते रहिए। तो इस तरह से हम बीच बीच में चला लेंगे भाई। तो ढक्कन लगाकर हम रसगुल्लों को पका लेंगे। आप चाहो तो रसगुल्ले कुकर में भी बना सकते हो। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो भाई सीटी और रबर निकाल दीजिए। तो ये देखिए भाई रसगुल्ले हमारे बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए भाई रसगुल्ले फूल कर डबल साइज़ के हो चुके हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, बनाने बहुत आसान है। तो ये देखिए भाई अच्छी तरह से उबल रहे हैं और रसगुल्ले हमारे लगभग बन चुके हैं। रसगुल्लों को ठंडा होने के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। तो ये देखिए भाई 3-4 घंटे के बाद रसगुल्ले हमारे अच्छी तरह से बन चुके हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं भाई, और रस भी अंदर तक गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं भाई, सच में बहुत टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो भाई, बनाना बहुत सिंपल है। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बने हैं भाई। ये देखिए बहुत टेस्टी रसगुल्ले बने हैं भाई। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।